ओम शांति। श्रावण मास आते ही सभी भक्तों के मन में अपने परम पिता शिव के प्रति प्रेम भावना भक्ति और उनकी स्तुति के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जो अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में तो उसकी छवि समाई रहती है और जहाँ तहाँ गंगा जल से और अन्य पवित्र नदियों के जल से उनका अभिषेक किया जाता है। भक्त लोग भिन्न भिन्न कामनाएं रखकर उनके पास जाते हैं, जो कि मानते हैं वे भोलानाथ हैं और सबकी झोली भरने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिनों दिन हम देखते हैं ये भक्ति भाव और कावड़ में गंगा जल लाने की प्रथा बढ़ती जा रही है। नॉर्थ इंडिया में तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है। प्रसन्नता होती है ये देखकर कि भारत में भक्ति भाव कितना ज़्यादा है। सभी धर्मों के लोग मिलकर कावड़ियों की सेवा भी करते हैं, इससे सर्व धर्म संभाव भी पैदा होता है और कावड़िये भी पति प्रेम से प्रभु प्रेम में मगन रहते हुए उसके गीत और भजन श्रवण करते हुए बड़े आनंद पूर्वक यात्रा करते हैं। मैंने भी वो यात्राएं देखी हैं, आनंद का माहौल रहता है, जैसे खुशियों के फुवारे फूटते रहते हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान के लिए सोचता रहता है, सेवा भाव भी बहुत लोगों में जग जाता है। परंतु अब आवश्यकता है कि हम शिव से सच्चा प्यार करें, ये भक्ति का प्यार, लोग इसे भी सच्चा प्यार कह सकते हैं। लेकिन सच्चा प्यार तब होता है जब उनका यथार्थ ज्ञान हमारे पास हो। उनका स्वरूप क्या है, वे कहाँ रहते हैं, वे कब आते हैं, उनके गुण और कर्तव्य क्या हैं, उन्होंने हमारे लिए ऐसा क्या किया जो वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, वो कितने गुणवान हैं जो हमें प्यारे लगते हैं, वे देह से न्यारे हैं इसलिए हमें प्यारे लगते हैं, वे प्यार के सागर हैं इसलिए हमें प्यारे लगते हैं, क्योंकि वे हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी संतान हैं, उनके प्यार की अनुभूति हम करते हैं, तो हमें स्वयं को उनसे जोड़ना है। मैं सभी शिव भक्तों को बहुत प्यार और सम्मान से भावनापूर्वक ये कहना चाहता हूँ, जिसकी भक्ति आप कर रहे हैं, जिसके प्यार को पाने के लिए या कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए या अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, थक रहे हैं, ये भी एक साधना है, तपस्या है, मैं आपको याद दिला दूँ, वो इस समय आप सभी की भक्ति की पुकार और आवाज़ सुनकर भक्ति का फल देने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। और भक्ति का फल पहला पहला वे दे रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान से ही मनुष्य को रोशनी प्राप्त होती है, ज्ञान से ही मनुष्य की सदगति होती है, ज्ञान से ही मनुष्य मनोविकारों से मुक्त हो जाता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भक्ति तो करे लेकिन उसके कर्म श्रेष्ठ ना हो, उसमें क्रोध बहुत ज़्यादा हो, वो विषय वासनाओं के अधीन हो, तो भगवान तक उसकी भक्ति पहुँचती नहीं है। जितने हम निर्मल होते जाते हैं, जितने हम इन वासनाओं से मुक्त होते जाते हैं, उतना ही सच्चा प्यार हमारा उनसे हो जाता है, हमारा प्यार उन तक पहुँचता है, उनका प्यार रिटर्न में हम तक आता है। तो वे आकर इस समय सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जो उनकी गीत में है, अगम निगम के भेद खोलें,
वो इस समय सृष्टि के सारे गुह्य रहस्य खोल रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, अब उनसे सत्य ज्ञान आकर लो। भक्ति तो आपने बहुत की, बहुत अच्छा किया, अब उनके समीप आ जाओ, सत्य ज्ञान लेकर उनकी प्रिय संतान बन जाओ, तो जो कुछ उनका है वो आपका हो जाएगा। आपको ये कठिन मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, उन पे जल भी नहीं चढ़ाना पड़ेगा, बल्कि वे जो इस समय अमृत पान करा रहे हैं, सत्य ज्ञान अमृत हमें पिला रहे हैं, अमृत तो प्रदान कर रहे हैं, उस अमृत का पान करने का सौभाग्य आप सभी को मिल जाएगा। तो भक्ति बहुत कर ली, अब भक्ति का फल पाने का समय है, अपने परम पिता से मिलन मनाने का समय है। इसको ही राजयोग कहते हैं। जब हम उनसे योगयुक्त होते हैं तो उनकी शक्तियाँ हमें मिलने लगती हैं। जैसा हमने कहा, सच तो यही है कि वो हमारा परम पिता है, हम उनके बच्चे बन जाते हैं, तो जो कुछ उनका है वो सब हमारा हो जाता है, हमें अधिकार मिलने लगता है। तो ये सुंदर समय है जबकि भगवान आकर अधिकार दे रहा है और हम आप सभी का आह्वान कर रहे हैं, आइए अपने परम पिता शिव से मिलन कीजिए, वो आप पर राजी हो गया है, इस स्वर्णिम अवसर का पूरा लाभ उठाइए, चूक न जाना। बहुत सुंदर प्राप्तियों का समय चल रहा है, समय का संपूर्ण लाभ उठा लेना। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.